नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नागपुर सिटीजन फोरम ने चलाई पीड़ा मुक्त पेड़ मुहिम। दंतोली में रेस्टोरेंट में 2,40,000 चुराए। भंडारा आज से अनलॉक। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। नागपुर सिटीजन फोरम ने शुरू किया पीड़ा मुक्त पेड़ अभियान। पीड़ा मुक्त पेड़ मुहिम के तहत नागपुर सिटीजन फोरम ने सदर परिसर के पेड़ों को खिला तार पोस्टर मुक्त कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। हरे भरे पेड़ों को कील ठोक कर मुफ्त में विज्ञापनबाजी करने वालों को दुष्ट करार देते हुए नागपुर सिटीजन फोरम ने निषेध किया है। इसकी कड़ी में पेड़ों पर ठोके गए कील और तार निकालकर उनको पीड़ा से मुक्त करने का अभियान फोरम के युवाओं ने शुरू किया है। फोरम की ओर से रविवार को यह अभियान शुरू किया गया है। पेन फ्री ट्री अर्थात पीड़ा मुक्त पेड़ अभियान की शुरुआत संविधान चौक से की गई है। युवाओं ने सिविल लाइन स्थित विधान भवन, महानगर पालिका, जिलाधिकारी कार्यालय, आकाशवाणी, जिला कोर्ट, उच्च न्यायालय, जीपीओ विभागीय, कील तार और विज्ञापन पलक से पेड़ों को मुक्त कराते हुए युवा देखे गए हैं। वहीं दूसरी ओर दंतोली में रेस्टोरेंट से 2,40,000 चुराए। दंतोली थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित रेस्टोरेंट का शटर टेढ़ा कर 2,40,000 उड़ा लिए गए। यह घटना रविवार की तड़ाके हुई। गांधीनगर निवासी राकेश सेलारका का श्री गणेश सागर रेस्टोरेंट है। रविवार तड़ाके 4:10 पर 3 युवक बगैर नंबर प्लेट की एक्टिवा पर सवार होकर आए। उन्होंने बीच से रेस्टोरेंट का शटर टेढ़ा कर दिया। दुबले युवक ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। युवक ने काउंटर को खोल लिया, वहां से 2,40,000 रुपए निकाल लिए। महज 20 मिनट में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। यह वारदात रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह मैनेजर जब रेस्टोरेंट खोलने पहुंचा तो उसे चोरी का पता चला। उसने धंतोली पुलिस को सूचना दी। पुलिस को रेस्टोरेंट से जुड़े जानकार के लिप्त होने का संदेह है। धंतोली पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। वहीं तीसरी ओर भंडारा आज से अनलॉक। कोरोना के संक्रमण दर 1.22% पर आ जाने के कारण भंडारा जिला अनलॉक के लेवल 1 में आ गया है, जिससे जिले में ब्रेक दी चेन के तहत लागू प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए हैं। ताजा आदेश के मुताबिक अब जिला सोमवार से अनलॉक हो जाएगा। इसके तहत दुकानें रोजाना शाम 7 तक, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, थिएटर रात 10 तक खुले रहेंगे। जिला अधिकारी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप कदम ने आज सुबह इस संबंध के आदेश हाजिर किए। आदेश में कहा गया है कि भंडारा जिले में कोविड का पॉजिटिव रेट 1.22% और ऑक्सीजन बेड 1.60% भरे होने के कारण जिला लेवल 1 में शामिल हो गया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।